जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यार इस साल यानी 2020 में हमें इंडिया पे 10,000 के अंदर काफ़ी बेहतर बेहतर स्मार्टफोन देखने को मिला है। अगर हम लोग गेमिंग की बात करें और परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें Redmi 9 Prime जो कि 10,000 के अंदर मिलता है, काफ़ी बेहतर फ़ोन है। और उसके बाद अगर बड़ा डिस्प्ले बड़ा बैटरी की बात करें तो हमें बेहतर फ़ोन देता है टेक्नो की तरफ से, जो कि है टेक्नो स्पार्क पावर 2, जिसमें कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है। तो टेक्नो का बहुत सारा स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च हुआ है 10,000 के अंदर, लेकिन और एक नया स्मार्टफोन अभी लॉन्च करने जा रहा है जो कि है टेक्नो स्पार्क पावर 2 AR। जी हाँ, ये पावर 2 का एक लाइट वर्सन है, लेकिन आपको बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स मिलेगा। किस प्राइस रेंज में लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, ऑफिशियली लॉन्च डेट कंफर्म हो गया है, इसका लुक डिजाइन बिल्ड क्वालिटी क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करिए, बाजू में बेल का घंटा है उसको भी दबा दीजिए। यार इस साल टेक्नो और इन्फिनिक्स काफ़ी बेहतर काम कर रहा है, क्योंकि चिपसेट और प्रोसेसर जो है बहुत ही बेहतर बेहतर हमें देखने को मिल रहा है। और टेक्नो जो है अभी एक नया स्मार्टफोन जो लॉन्च करने जा रहा है, ये फ़ोन है टेक्नो पावर 2 AR। इसका लुक डिजाइन बिल्ड क्वालिटी मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फोन जो है ऑफिशियली फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग कर चुका है, मतलब लिस्टिंग कर दिया गया है। इसका ऑफिशियली लॉन्च डेट रखा है 14 सितंबर को ये मोबाइल फ्लिपकार्ट में लॉन्च कर दिया जाएगा, यानी इंडिया पे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो उस जगह पे काफ़ी सारा फीचर्स भी हमें देखने को मिल गया है। इस फोन का लुक और डिज़ाइन की बात करते हैं, सबसे पहले फ्रंट में वाटर ड्रॉप नॉच वाला बहुत बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बैक साइड में जाएंगे तो बैक साइड में आपको क्वेड कैमरा का सेंसर देखने को मिलेगा, एलईडी लाइट, फिंगरप्रिंट सेंसर, और नीचे की ओर आपको जो है टेक्नो का लोगो देखने को मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं, ये जो बैक पैनल मिलेगा वो प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट का मिलेगा, क्योंकि ये एंट्री लेवल का फ़ोन है और टेक्नो का फ़ोन में आपको पॉलीकार्बोनेट का ही बैक पैनल देखने को मिलता है। तो मोबाइल स्लिम है, लुक और डिज़ाइन काफ़ी बेहतर है प्राइस रेंज के हिसाब से, लेकिन अगर बात करें फीचर्स का तो काफ़ी सारा फीचर्स आपको जो है फ्लिपकार्ट में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इस मोबाइल में आपको एक बहुत ही बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 7 इंच का डिस्प्ले, जो कि टेक्नो स्पार्क पावर 2 में भी देखने को मिला था, और वही डिस्प्ले आपको इस मोबाइल में भी देखने को मिलेगा। 7 इंच का बहुत ही बड़ा डिस्प्ले होता है, एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले रहेगा, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, मतलब एक LCD पैनल दिया जाएगा। तो यार ये तो बहुत ही बड़ा वाला फीचर्स है क्योंकि 7 इंच का डिस्प्ले है, लेकिन कुछ हैशटैग भी लगाया गया है, जैसे कि हैशटैग पावर प्ले इंटरटेनमेंट और बेस्ट बैटरी स्मार्टफोन। मतलब इस मोबाइल में बहुत ही बड़ा डिस्प्ले मिलेगा एंटरटेनमेंट के लिए और बहुत बड़ा बैटरी मिलेगा। और इस मोबाइल में जो फीचर्स आपको मिलने वाला है वो टेक्नो स्पार्क पावर 2 का ही सिमिलर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डाउनग्रेडेड रहेगा क्योंकि ये लाइट वर्सन है। तो इस मोबाइल में 7 इंच का डिस्प्ले जैसे कि मैं बताया वो मिलेगा, बाकी और कुछ फीचर्स को मेंशन किया है, जैसे कि क्वेड कैमरा का सेंसर देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया जाएगा, और साथ में क्वेड यानी 4-4 LED लाइट मिलेगा, जो कि टेक्नो हमेशा देता है और इस मोबाइल में भी देगा। सेल्फी में आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ सेल्फी मिलेगा, मेरे हिसाब से 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलेगा, ये ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ मिलेगा ये कंफर्म है। और साथ में आपको ड्यूल LED लाइट जो है सेल्फी में भी देखने को मिल जाएगा, ये ऑफिशियली तो नहीं, हाँ ऑफिशियली फ्लिपकार्ट में देखने को मिला है हमें। और इसके अलावा भी और क्या कुछ नया मिलेगा, तो इस मोबाइल में आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ में इस मोबाइल में आपको एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, और iOS देखने को मिल जाएगा। बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा इस मोबाइल में, और बहुत ही बड़ा बैटरी की बात किया गया है, यानी एक बार चार्ज करने के बाद 4 दिन तक चलेगा ऐसा बात किया गया है फ्लिपकार्ट में। तो आपको 6000 mAh का इस मोबाइल में बैटरी मिलेगा, लेकिन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ डाउनग्रेडेड फीचर्स रहेगा टेक्नो स्पार्क पावर 2 से, तो इसलिए इस मोबाइल में आपको शायद फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मोबाइल फिलहाल अभी जो है फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग किया गया है, और 14 सितंबर को इस मोबाइल को इंडिया पे लॉन्च कर दिया जाएगा, फ्लिपकार्ट में लॉन्च किया जाएगा। और प्राइस की बात करें तो मेरे हिसाब से इस मोबाइल का प्राइस कितना होने वाला है, 9000 के अंदर होने वाला है, क्योंकि 10000 के अंदर हमें टेक्नो स्पार्क पावर 2 देखने को मिलता है। तो जब ये फ़ोन इंडिया पे लॉन्च हो जाएगा तो चैनल पे और एक वीडियो जरूर आने वाला है, अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू में बेल का घंटा है उसको भी दबाइए। और टेक्नो स्पार्क पावर 2 AR के बारे में आपका कुछ भी ओपिनियन है आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फेस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।